फ्लैश कैश और उसका अकाउंट दोनों ही बढ़ चुके हैं। बढ़ इस तरह चुके हैं कि यार आप पेमेंट भेजो या पेमेंट रिसीव करो, आधा घंटा कहीं भी नहीं गया हुआ। 50% ट्रांजेक्शन आपकी जल्दी चली जाती है और 50% आप उसी तरह लटके हुए रहते हो। तो मैंने तो खैर जैस कैश अकाउंट यूज करना ही छोड़ दिया, इसलिए कि यार आप किसी को पेमेंट भेज रहे हो या पेमेंट रिसीव कर रहे हो, आधा घंटा पक्का। आप किसी को पेमेंट भेज रहे हो, ठीक है, पेमेंट भेज दिया और आपकी पेमेंट वहां रिसीव नहीं हुई, आपके पास से चली गई, कट भी गई, और आप अगर कॉल सेंटर फोन करते हो, कॉल करते हो, तो उन्हें बताते हो यार कि हमारी पेमेंट जो है वो ये ट्रॉमास कर रही है, तो वो बोलिए सर आप बिल्कुल परेशान ही ना हो क्योंकि अगले साल तक आपकी पेमेंट वापस रिसीव हो जाएगी। जब हमारी शॉप थी, हमारे पास भी जैस कैश का एक रिटेलर आया, वो हमें जैस कैश जो है प्रोवाइड करता था। जब हम उसे बड़े मुहब्बे वतन किस्म का बंदा था और बड़ा जैस कैश से प्यार करने वाला बंदा था, खैर हमारे सीनियर भी थे, सीनियर इस तरह से मतलब के एज वाइज भी बड़े, जब हम उन्हें ये कहते थे ना यार सर बात ऐसी है कि आप जैस कैश तो हमें दे रहे हो, अगला बंदा आता है, अगर हम पेमेंट भेज भी रहे हैं तो उसमें मसले आ रहे हैं, रिटेलर अकाउंट से हमारी पेमेंट जो है वो नहीं जा पा रही थी, उसमें कभी क्या मसले आ रहे थे, कभी क्या आ रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने हमें सारी चीज़ें सिनेरियोस बताया कि यार इशू आ रहे हैं सर, इसको काइंडली अगर आप ठीक करें। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा भी कोई इशू है, ठीक है, ऐसा इशू है भी है कोई। तो भाई अब वो सीनियर थे, हम उन्हें क्या बोले, हमारी उनसे अच्छी तवासलाम भी थी, तो हम बोले यार कोई मसला ही नहीं है सर, जैसा आप बोलें। उसके बाद QR कोड वाला एक स्कैम आया। स्कैम इस तरह से बोलूंगा कि अगर आप अपनी ही पेमेंट QR के थ्रू जैस कैश में मंगवाते हो, जो कि बिजनेस अकाउंट है जैस कैश का, उसमें अगर 100 रुपये आप मंगवा रहे हो, 100 में से 5 या 6 रुपये जो है वो QR कोड वाले काट लेते थे वो फ्री फंड हमें, और फिर वो बोल रहे थे कि आप 5 ट्रांजेक्शन या 6 ट्रांजेक्शन करो तो आपको 50 या 100 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन यार अब सवाल यह कि QR से अगर वो पेमेंट आ भी रही है तो 5 रुपये से 10 रुपये कटे क्यों जा रहे हैं। तो ये भी हमने बोला कि यार करो ना यार, आप कर सकते हो। तो यार तो उसने कभी अपनी गलती कंपनी की नहीं मानी, ठीक है, कंपनी से बात करोगे बंदे को गुस्सा आ जाता था। तो ये सेम सिनेरियो हमारे साथ भी अभी रिटेलर अकाउंट को छोड़ के जो हम पर्सनल अकाउंट यूज कर रहे हैं वो करें, ठीक है। मेरी अब 4 लाख जो है वो लिमिट है, इसलिए नहीं मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है और आपके साथ भी होगा और जितने भी बंदे हैं उन सबके साथ ऐसा होता है कि वो पेमेंट पर्सनल अकाउंट में भेज रहे होते हैं, उनके मसले मसाइल खत्म नहीं होने का नाम ही नहीं ले रहे। भाई पेमेंट भेजते हो कभी क्या मसला आ रहा है, पेमेंट भेजते हो कभी फेल हो रही है, कभी अकाउंट ही लॉग इन नहीं हो रहा। भाई अकाउंट खुद जो है वो कभी कभार ऐसा होता है कि लॉग इन जो होता है वो लॉग आउट हो जाता है, और फिर जब आप लॉग इन करने के लिए जाते हो तो वो अकाउंट भी लॉग इन नहीं। अब रिसेंटली मैं एक अकाउंट बना रहा था, ठीक है, अकाउंट बनाते हुए जैसे ही मैं मदर नेम और प्लेस ऑफ बर्थ पे पहुंचा, जो कि लास्ट उसके बाद MPN होता है क्रिएट करना होता है, आपका अकाउंट बन जाता है। लेकिन वहां से आगे मेरा अकाउंट बंद ही नहीं रहा, मतलब न्यू अकाउंट जो बना रहा था उसमें 4-5 दफा मैंने क्रिएट करने की कोशिश की, और वो भी अलग अलग दिनों में, लेकिन नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, वो यही मसले मसाइल है कि यार अकाउंट ही जैस कैश का जो है वो नहीं बन पा रहा। और ये जस्ट मैं खुद से नहीं बोल रहा, हर किसी को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहे हैं। अब जैस कैश जो है वो भाई इन चीजों को पता नहीं सीरियसली नहीं ले रही है, फिर ठीक करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बिल्कुल जैस कैश यूज करना समझ लो कि छोड़ दिया है, टोटली शिफ्ट टू इजी पैसा। लेकिन अभी जैस कैश को ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि उनका यूजर जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल में है, और ऐसा होना नहीं चाहिए जो हो रहा है। पिछले 3 सालों से इनके मसले मसाइल ही खत्म नहीं हो रहे, एक ठीक होता है तो दूसरा मसला हो जाता है, पैसे भेजो तो आधा घंटा लेट हो रहा है, या फिर ऐसा होता है कि वो पैसे जाते ही नहीं है और वो फिर वापस रिफंड हो जाते हैं, तकरीबन 10 मिनट ले लेते, कभी आधा घंटा लेते, कभी 24 घंटे ले लेता है, ठीक है, वो वापस आपके अकाउंट में रिफंड हो जाते हैं। मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है जैस कैश को सलामी पेश करने के लिए कि वो अपने अकाउंट को, अपने इस प्रोडक्ट को ठीक कर सकें। उसके रेलिवेंट ईजी पैसा है, सादा पे है, नया पे है, ठीक है, ईजी पैसा को ही ले लेते हैं, सादा पे को गोली मारो। ईजी पैसा में जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो बहुत ज्यादा स्मूथली हो रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, आगे चल के ना हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक, ठीक है, जब से मैं यूज कर रहा हूं अब तक कभी मेरे साथ ऐसा मसला पेश नहीं आया कि ईजी पैसा के मेरे फंड ट्रांसफर ना हो, रुक गए हो, या फिर मुझे रिफंड आ चुके हो, या फिर कुछ ऐसा इशू हो गया हो। तो ये इश्यूज जैस कैश वालों को देखने पड़ेंगे और सॉल्व भी करने पड़ेंगे। ओवरऑल मतलब मेरा तो यही मानना है कि मैक्सिमम यूजर जो हैं वो जैस कैश से इज्तनाब ही करते हैं, इंक्लूडेड मी। अगर उन्होंने इस प्रोडक्ट को ठीक करना है, आगे लॉन्ग टर्म चलाना है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज जैस कैश तो उड़ जाएगा। उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों से रिलाई करते होंगे और आपको भी ये चीज़ें फेस करने को मिलती होंगी। अगर इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप फेस कर रहे हो तो यार कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है वो आपकी वो चीज़ मैं आगे चल के बाकी लोगों को बताऊँ, उनकी भी मदद हो सके। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।